हेलो एवरीवन, होप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी नमस्ते। काम की वजह से नाम बनाना हो तो ये बेस्ट एग्जांपल है। इसने अपने काम से अपना नाम बना रखा है। 19 से लेके 2023 तक ये सभी की पसंद बनी हुई है। और इसके चाहने वाले, जिसको एक कंफर्ट पसंद है, ऐसी सेडान चाहिए जो इसका एक रुतबा भी बना रहे कि लग्जरी कार है, कंफर्ट भी दे, लो मेंटेनेंस भी दे, तो दिस वन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। और ये 2023 का फेसलिफ्ट है। इसके अंदर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे एयरबैग मिल जाएंगे, होंडा सेंसिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम यानी CMBS यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, लेन असिस्ट देखने को मिल जाएगा, लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑटो हाई बीम देखने को मिल जाएगा, अंदर आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा, इल्यूमिनेटेड डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी आपको फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाएगी। दूसरा, इसके अंदर फीचर्स के अलावा BS6 पार्ट 2 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये अपडेट भी होके आ गई है। और ये नहीं, देखिए आपकी स्क्रीन पर होंडा अमेज भी दिखाई दे रही होगी, तो जितने साइलेंटली इसलिए इसके इंजन है ना, उतना ही साइलेंटली इसका काम। इसने सबसे पहले होंडा अमेज को जैन में ही लॉन्च कर दिया था BS6 फेज 2 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। RDE नॉर्म्स जो रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स 1 अप्रैल से रोल आउट हो जाएंगे। ये आपको टोटल 5 वेरियंट में मिलेगी। SV वेरियंट इसके अंदर नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, V वेरियंट है, VX वेरियंट है और ZX वेरियंट है। V और ZX के अंदर ये आपको हाइब्रिड के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। माइलेज इसके अंदर आपको 17.3 की मिल जाएगी, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ CVT में आपको 18.3 की मिल जाएगी एंड 27.3 की माइलेज आपको इसके हाइब्रिड कार के अंदर देखने को मिल जाएगी। टोटल ये अभी इसके अलावा 6 कलर में देखने को मिलेगी। एक ब्लू कलर थोड़ा नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, 5 में इसके अंदर पहले से कलर आ ही रहे हैं। और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, चलो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर में चलते हैं। फ्रंट फेसिया में सबसे पहले इसकी लाइट LED के अंदर आपको हेडलाइट मिलेगी ZX वेरियंट में, ओनली जो टॉप एंड वेरियंट है, बाकी सभी वेरियंट में आपको हेलोजन के अंदर लाइट दिखने वाली है। DRL यहाँ पर दिख जाएगी और ऑटो हाई बीम का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और ये क्रोम इंसर्ट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक आपको कनेक्टिंग क्रोम टच देखने को मिल जाएगा। सेंटर में होंडा का लोगो, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में एयर इनलेट, नीचे की तरफ भी आपको ब्लैक कलर में एयर इनलेट दिखेगा, लेकिन लोअर लिप्स पर आपको कार्बन फाइबर का टच यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉग लैंप की बात करो तो फॉग लैंप भी आपको LED के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सामने की तरफ कोई पार्किंग सेंसर या कैमरा नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको साइड में लेके चलो, साइड में स्पेसिफिकली आपको लेफ्ट हैंड साइड एक कैमरा नज़र आ जाएगा। कब स्विच दिया हुआ है ड्राइवर साइड के पास, तो यहाँ से पूरा लेफ्ट हैंड साइड का व्यू आप इजीली इसके अंदर देख सकते हैं। ORVM आपको बॉडी कलर देखने को मिलेंगे और साइड टर्न इंडिकेटर आपको ORVM के पास ही देखने को मिल जाएगा। टायर आपको यहाँ पर 16 इंच के ऑफर कर दिए गए हैं, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक। और टायर साइज़ यहाँ पर मिलेगा 185 55 R16 का, डायमंड कट ड्यूल टोन अलॉय व्हील यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। एंड डोर हैंडल है वो क्रोम टच के साथ मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ 7 मिनट एंटीना, फ्यूल इनलेट आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलेगा और ये LED में आपको टेल लाइट जो आप एक्रॉस ऑल वेरियंट ये स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ आपको बूट पर CT की बैजिंग और IVTEC की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। रियर में ऊपर की तरफ आपका रियर डिफोगर, सेंटर माउंटेड स्टॉप लैंप एंड ये आपका रियर साइड का सन कर्टेन यहाँ पर नज़र आ जाएगा, कंपनी लगा के दे रही है। इसके अलावा बूट के ऊपर यहाँ नंबर प्लेट के पास आपको रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं। रियर बम्पर पर आपको जो कार्बन फिनिशिंग का टच या जैसा सामने देखा था वही टच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थाईलैंड से मॉडिफिकेशन वाली किट मंगाने की अब ज़रूरत नहीं है, कार्बन फिनिशिंग यहाँ पर रियर बम्पर पर कंपनी करके दे रही है। नीचे की तरफ यहाँ पर रियर टो हुक नज़र आ जाएगा, रिफ्लेक्टर यहाँ पर और वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। चलते हैं इसके इंटीरियर में। पहले इंटीरियर में इसके डोर पैड की बात कर लेते हैं। डोर पैड आपको ड्यूल कलर में दिखेंगे सॉफ्ट टच के साथ और हार्ड प्लास्टिक। पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक और ORVM के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। 1 लीटर की बोतल आप आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा आपको सामान रखने के लिए। स्पीकर एंड ट्वीटर, क्रोम के साथ आपको डोर हैंडल मिलेगा और यहाँ पर आपको एक लाइट मिलेगी। जब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये लाइट इल्यूमिनेट हो जाएगी जब आपके यहाँ पर गाड़ी ऑन रहेगी तो। और सीट आपको यहाँ पर लेदर टच के साथ मिलेगी। ड्राइवर साइड की सीट आपको 8-way मैनुअल एडजस्टेबल मिलेगी, जिससे आप यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से इसका रेक्लाइन एंगल और यहाँ से इसकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं। और हाइट एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कंफर्टेबल सीट रहने वाली है क्योंकि ये वाला एरिया काफ़ी डेप्थ बना रहा है, तो आपकी ग्रिप अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा इसके दोनों फ्रंट की दोनों सीटें में आपको एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। और सीटों से थोड़ा सा इस तरफ आगे की तरफ आएंगे तो आप ABD एक्सेलेरेटर ब्रेक एंड डेड पेडल देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। हुड ओपन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, फ्यूल इनलेट ओपन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉइन बॉक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन और हेडलाइट लेवलर, पुश स्टार्ट बटन आपको इधर नज़र आ जाएगा और वेंट्स पर आपको सिल्वर कलर का टच देखने को मिल जाएगा। ये सिल्वर कलर का टच आपको चारों वेंट्स पर देखने को मिलेगा और कुछ ऐसा इसका आपको इंटीरियर नज़र आएगा। पूरा डैशबोर्ड जो है आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिखेगा, हैजार्ड लैंप के कंट्रोल एंड यहाँ पर एक वुडन इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। ग्लो बॉक्स डिसेंट स्पेस के साथ आपको ऑफर किया गया है एंड ग्लो बॉक्स के पास यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच जरूर नज़र आएगा। स्टेयरिंग के ऊपर आपको सॉफ्ट टच दिया गया है और यहाँ पर आपको ये मल्टी फंक्शनल टिल्ट एंड टेलोस्कोपिक पावर स्टेयरिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एयरबैग देखने को मिल जाता है। चार एयरबैग तो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पर, एक को ड्राइवर साइड एंड दो आपको फ्रंट की सीटों के अंदर। छह एयरबैग इसके अंदर अभी आ गए हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट हैंड साइड आपको सारी ड्राइविंग असिस्ट फंक्शनलिटी मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, लेन असिस्ट का फंक्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल को। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये आपकी जो सीवीटी ऑप्शन के साथ है, एक आपको गाड़ी मैनुअल सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिल जाएगी। स्टेयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड आपको पूरे हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे एंड यहाँ से आप इसका लेफ्ट हैंड साइड का कैमरा यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड स्टेयरिंग के आगे आपको यहाँ पर पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से कॉल कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम एंड सोर्स का फंक्शनलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बिना ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेंटर कंसोल में आपको इंफोटेनमेंट यूनिट मिल गया जो एप्पल का एंड्रॉइड कारप्ले के साथ आता है। फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर, ऑटो एसी का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दो यूएसबी चार्जर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अलोंग विद यहाँ पर आप मोबाइल भी रख सकते हैं और यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर का भी फंक्शन आपको दिया गया है। इको मोड आपको ऑन करना है तो यहाँ पर मिल जाएगा स्विच। सॉफ्ट टच के साथ आपको आर्मरेस्ट ऑफर की गई है यहाँ से और इसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ फोटो डिमिंग IRVM एंड कैबिन लाइट आपको LED में दिखेगी और यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सनरूफ के कंट्रोल और यहाँ पर आपको दोनों सनसेट वैनिटी मिरर के साथ ऑफर किए गए। लैंप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दरवाजों पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। इधर आपको यहाँ पर इसके रडार मिल जाएंगे जो इसकी लेन असिस्ट वगैरह की फंक्शनलिटी को सपोर्ट करते हैं। रियर रो में चलते हैं, दरवाजे जैसे ही ओपन करेंगे सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पर मिलेगा और क्रोम का टच यहाँ पर डोर हैंडल में मिल जाएगा। ट्विटर स्पीकर एंड सेंटर में आपको यहाँ पर जो बीच के अंदर हल्का सा बम्प मिल जाएगा। रियर रो के लिए एसी वेंट, दो आपको 12 वोल्ट के सॉकेट यहाँ पर मिल जाएंगे। सीट की अपोलिस्ट्री आपको रियर की भी लेदर के साथ देखने को मिलेगी और तीन आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, बीच में आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको सन कर्टेन और ऊपर की तरफ यहाँ पर रियर रीडिंग लैंप। रियर रो में बैठने के बाद बिल्कुल बॉस जैसी फीलिंग आपको आएगी। काफ़ी अच्छा खासा रेक्लाइन एंगल यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड आइसोफिक्स माउंट की फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दो आपको आइसोफिक्स एसेसरीज यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं रियर रो के अंदर। अब चलते हैं इसके बूट के अंदर, कुछ ऐसा इसका बूट नज़र आएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर इंटैक्ट। बूट के अंदर एक बूट लैंप आपको हेलोजन का यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी और कुछ यहाँ पर कोई हैंगर वगैरह कुछ नहीं है। आपको बाकी सारी कवरिंग देखने को मिल जाएगी एंड टायर साइज जो बूट के अंदर पड़ा हुआ है वो है आपको 15 इंच का, मतलब एक इंच छोटा आपको यहाँ पर टायर मिलेगा और स्टील रिम के साथ यहाँ पर टायर देखने को मिलेगा। बाकी स्पेस काफ़ी अच्छा खास एंड स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस बूट के अंदर। और पीछे की एरिया भी यहाँ पर बूट को पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर कर दिया गया, कोई भी एरिया एक्सपोज नहीं है, अंदर की वायरिंग वगैरह एक्सपोज नहीं है। यहाँ पर आपको एक कंबल टाइप जो है आपको दे दिया गया है। साउंड डैम्पिंग का भी काम करेगा और थोड़ी थोड़ा एक आपको लगेगा आप एक प्रीमियम कार चला रहे हैं। तो अभी चलते हैं, इसका एक बार हुड और ओपन कर दूँ मैं। यह है इसका 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा और 17.1 किलोमीटर की एवरेज दे देगा मैनुअल के अंदर और 18.3 किलोमीटर की एवरेज दे देगा ये CVT ट्रांसमिशन के अंदर। और यहाँ पर आपको पूरी इंसुलेशन वगैरह पूरी प्रॉपर देखने को मिलेगी, ABS यूनिट एंड कुछ ऐसा इसका आपको लुक नज़र आएगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट होंडा सिटी 2023। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा इसकी जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। टेक्निकल डिटेल्स मतलब इसके वेरिएंट्स, प्राइस, ग्राउंड क्लियरेंस, डायमेंशन,
पावर आउटपुट, जितनी भी इसकी टेक्निकल डिटेल्स है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसी के साथ यदि आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है या फिर आपको एडिशनली इस गाड़ी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मोटर नॉलेज जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे हमें DM कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, या फिर आप हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट का प्रयोग और 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून। जय हिंद।